स्वर्गवासी एक्टर इरफान खान दे बेटे बाबिल खान छेते ही बॉलीवुड विच डेब्यू करन जा रहे हैं। हाल ही विच उन्होंने एक सुपरनैचुरल फिल्म साइन की सी अते हुन उस दी शूटिंग दा पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। फिल्म दा नाम काला है अते इस विच बाबिल खान दे नाल स्वास्तिका मुखर्जी, तृप्ति डिमरी वर्गे कलाकार नजर आउणगे। ए फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा दे प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म दे नाल मिलके बना रहा है। इस फिल्म दे डायरेक्शन भी अन्विता दत्त ही कर रहे हैं, जिन्होंने इस तो पहला साल 2020 विच आई फिल्म बुलबुल दा डायरेक्शन किया सी। बीते दिन नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस फिल्म दी कुछ झलकियां दिखाईयां। नेटफ्लिक्स ने ट्वीट विच वीडियो शेयर करदे हुए लिखा, बुलबुल दे क्रिएटर्स क्लीन स्लेट फिल्म्स अते अन्विता दत्त दी एक होर पेशकश, असी तुहाडे लई लिया रहे हां एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म काला। इस तो अलावा खुद बाबिल खान ने भी एक वीडियो शेयर करदे हुए इस गल दी जानकारी दित्ती है। बाबिल ने फिल्म दे कुछ झलकियां भरा एक वीडियो शेयर करदे हुए लिखा, तृप्ति डिमरी फिर तो वापिस आ गई है अते थोड़ा बहुत मेरा हिस्सा भी है। मैं लॉन्च किया गया वाक्या सुन के उलझन विच पै जांदा हां, क्योंकि ऑडियंस साडी फिल्म वेख के सीट तो उछलनी चाहिदी है, ना कि किसे एक एक्टर नू वेख के। हाल ही विच बॉलीवुड स्टार इरफान खान नू लाइफ टाइम अचीवमेंट लई फिल्म फेयर अवार्ड नाल सम्मानित किया गया सी। इसी अवार्ड नू लैन बाबिल अवार्ड फंक्शन विच शामिल हुए सन, जिथे ओह काफी इमोशनल हुंदे हुए नजर आए। इरफान खान दा यह अवार्ड फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ने बाबिल नू दिता सी, जिस तो बाद उन्हां ने सिनेमा नू उचाइयां तक लै जाण दी गल कीती। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਿਲ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।